हमारे दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना भाई, जो पहाड़ गिरा हुआ है जैसे कि ऊपर, तो इस भाई के साथ बहुत ही बुरा हाल हो गया है। तो आपको बता देता हूँ कि इसके साथ क्या हुआ है। एक्चुअली मैं नाइट का काम कर रहे थे, तो इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, जैसे कि किसी के साथ ना हो आगे लाइफ में, है ना भाई, बहुत ही बुरा हुआ है। लेकिन मशीन का भी तो नुकसान हो गया होगा है, लेकिन उसके साथ साथ है ना भाई ऑपरेटर का भी नुकसान हो गया है। क्या हुआ है आपको बता देता हूँ भाई। ये ना नाइट में काम कर रहे थे। अब मैं इस पर तो बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है कि भाई पहाड़ के ऊपर, जो पहाड़ के रास्ते में काम करते हैं ना भाई, तो पहाड़ खुदाई करते हैं ना भाई, तो कैसे जगह पे कैसे लगाना चाहिए मशीन, कैसे लगाना चाहिए, सीधा लगाना चाहिए, कैसे लगाकर कैसे कटिंग करना चाहिए, तो इसके पर मैंने दो तीन वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, आपको मिल जाएगा उसके बारे में वीडियो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूँ। क्योंकि ऐसे इसका नॉलेज होना चाहिए ना भाई, इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। लेकिन मशीन के ऊपर पूरा पहाड़ ही गिर गया। पहाड़ गिरने से पूरा कैबिन में से पीछे गया है, सब पूरा कांच में टूट गया है, और देख सकते हैं आप कैसे किस तरह से हुआ है बुरा हाल। नाइट में काम किया तो सुबह, नाइट में से ऐसे गिरा हुआ है तो सुबह देखा ऐसे, तो मालिक का तो नुकसान हो गया है, लेकिन ऑपरेटर का है ना भाई, ऑपरेटर का साथ का बहुत ही बुरा हो गया। क्योंकि ऑपरेटर का है ना भाई कम से कम 9 महीने का पेमेंट ही डुबा दिया है, पेमेंट ही नहीं दे रहा मालिक, ऐसा कर दिया है मालिक ने, और काम से निकाल दिया भी उसने, ऐसा बुरा हाल हो गया है। बहुत ही दुख हो गया है मेरे को, दुख भाई सुनकर है ना भाई, बहुत ही दुख हुआ मुझे। तो आप देख सकते हैं, अब ऐसा है ना भाई, किसी के साथ ना हो ऐसी मेरी उम्मीद है। अब बेचारा ये क्या करेगा, इतना दूर से काम के लिए आया है और 8-9 महीने का पेमेंट नहीं दिया है, तो कितना बुरा लगेगा भाई, इतना मेहनत पानी में फेर गया ना भाई, एक छोटी की गलती की वजह से। ऐसे तो गलती तो हो जाती है ना भाई, लेकिन इतनी सी गलती की वजह से ना भाई पूरा 9 महीने का पेमेंट डुबा दिया ना मालिक ने। बहुत ही दुख लगा भाई मेरे को, तो बहुत ही दुख लगा, क्योंकि काम करने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता भाई। मालिक लोगों को तो कुछ नहीं लगता भाई, उनको मालूम नहीं पड़ता कि ऑपरेटर भाई कितना मेहनत करते हैं, इतना धूप में इतना पसीना आता है भाई, जिस मशीन में फैन नहीं ना उसको मालूम रहता है कितना पसीनों में काम करना पड़ता है, कितना धूप में काम करना पड़ता है, तभी मालूम पड़ता है भाई। इतना मेहनत करने के बाद है ना भाई 1 महीने का सैलरी मिलता है, पूरा महीने भर काम करने के बाद सैलरी मिलता है, और उसके साथ 9 महीने तक काम किया, उसके बाद में 9 महीने के बाद ऐसा हुआ, कुछ भी गलती हो गया और पूरा पेमेंट ही डूबा जाए तो कैसे लगेगा। बहुत ही दुख लगा भाई मेरे। तो आप लोगों ने, आपको कैसा लगा कि इसने मालिक ने सही किया है गलत किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मालिक ने अच्छा किया है गलत किया है। मुझे तो बहुत ही गलत लगा भाई, बहुत ही गलत किया ऑपरेटर के साथ, बहुत ही दुख लगा मेरे को। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो मुझे व्हाट्सअप पे भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, जाकर मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सअप का भी नंबर है और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, जाकर मुझे कॉन्टैक्ट करें और मुझे भी ऐसे ही वीडियो भेजे दोस्तों। और इस वीडियो को दबा के शेयर करो जो उन ऑपरेटर भाई लोगों को, तो ऐसा किसी के साथ ना हो भाई, ऐसा दुख की बात, छोटी सी भी गलती होगी तो भाई अपना बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे तो बहुत जेसीबी का जो नुकसान हुआ तो उससे अफसोस नहीं भाई, ऑपरेटर का जितना मेहनत से मेहनत का पानी फेर गया ना उसके ऊपर मुझे बहुत ही दुख लगा। क्योंकि भाई 9 महीने का पेमेंट डूबा जाए तो इतनी छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना भाई ऑपरेटर का, इसलिए मेरे को बहुत ही दुख लगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करो जो सभी ऑपरेटर को, सभी हेल्पर को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दो। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।